जय हिंद मित्रों, मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अभ्यास 10 का अभ्यास कक्षा 6 का अभ्यास पहला का जो है पेज नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पेज नंबर 11 में पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ एक्स, कोई पदार्थ है एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, यानी सफ़ेदी करने में इस एक्स पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, यानी कि एक तो पहला पदार्थ क्या है उसका नाम लिखना है, उसका सूत्र लिखना है, और उसके बाद ये पदार्थ की अभिक्रिया जब आप जल के साथ कीजिएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, पदार्थ एक्स का कैल्शियम ऑक्साइड है, पदार्थ एक्स जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका CaO होता है सूत्र। ठीक है, इसका सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका सूत्र क्या होता है, CaO। दूसरा, इसका जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न किया था, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप जल के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बन जाएगा और इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होगा, मुक्त होगा, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न दो है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एक एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। यानी कि यहाँ पर एक प्रयोग आप देख रहे हैं, जल में जब विद्युत अवघटन किया गया एक परख नली में जो है वो गैस की मात्रा अधिक और दूसरी में कम है, दूसरी के दोगुनी है, तो वो परख नली जिसमें कि अधिक है उसमें कौन सी गैस है। ठीक है, तो देखिए, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी यानी जल में दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है, इसीलिए एक परख नली में एकत्र गैस की मात्रा दूसरे में एकत्र की गई गैस की मात्रा की दोगुनी होती है। यानी कि हाइड्रोजन जो आपका एनोड पे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, इसलिए एक परख नली में एनोड पर जो एनोड का जो परख नली है इसमें अधिक गैस होता है और दूसरे में कम होता है। ठीक है, पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर 15 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पेज नंबर 15 में पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदलता है। तो देखिएगा, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उससे कॉपर को अलग कर देता है और लोहे का सल्फेट बनता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है, विलयन का रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है। ठीक है, इसका जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन से कॉपर का विस्थापन हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है और विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न दो देखिएगा, प्रश्न दो में है, क्रियाकलाप 1.1 में 10 से विभिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। ठीक है, देखिए, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम कार्बोनेट का जब कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, इसीलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक यानी कि दो यौगिक अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बनाए तो उसे क्या कहेंगे,
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे पेज नंबर 3, प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 में है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचयित और उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अभिक्रिया है यहाँ पर, पहला में सोडियम का अपचयन होता है, यानी कि इसमें जो है सोडियम का अपचयन हो गया क्योंकि इसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन अपचयित तो होती है। यहाँ पर सोडियम का अपचयन हो गया, ये ऑक्सीजन से मिल गया और सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। दूसरा अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर में अपचयित हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में अपचयित हो जाएगा और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाएगा, ठीक है।